इसको वो करता हूँ। छोड़ेगा चाचा छोड़ेगा। ये गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ पे। क्राउन का कोई नया मॉडल है, क्राउन का नया मॉडल है। ये गाड़ी भी आई हुई यहाँ पे। नहीं बड़ी गाड़ी है, इसकी कवर करते करते एक घंटा लग जाएगा हमें। तो यहाँ बढ़ रहे हैं हम थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं हमें आगे कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती है। लेकिन सुजुकी ले आना भाई, काफ़ी लोग अभी इस गाड़ी की डिमांड करते हैं हमें कि सुजुकी ले आना क्यों नहीं ऐड करते हैं। तो पहले इस गाड़ी को कोई पूछता नहीं था, अभी जैसे जैसे महंगाई हो गई भाई इस गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो ये गाड़ी है 2007-2008 का नंबर इस गाड़ी में लगा हुआ है, 2007 के एंड की गाड़ी है। बाहर से जो गाड़ी है टचअप है, टचअप मतलब कि फुल शावर कह दो आप, पूरी गाड़ी शावर कह दो बाहर से, बाकी अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। हलवाई रम हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रंट वाले टायर में, लेकिन बैक वाले टायर में जो नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर स्टेप हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% के या 60% के आसपास इस गाड़ी की जो टायर्स हैं गुड कंडीशन में मौजूद हैं। तो लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी गाड़ी की जो है साफ हैं, टूटी भी नहीं है, लेकिन हल्का सा फेड हैं। तो फ्रंट से जो ग्रिल साइड है गाड़ी की वो बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन की बात करें तो फ्रंट स्क्रीन जो है हमें यहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज मिल रही है, बाकी ये वाला एरिया जो है वो सही है। तो बोनट से गाड़ी कुछ इस गाड़ी का जो इंजन है वो चेंज है। बाकी अगर आप लोग अपने नाम पे गाड़ी कराना चाहते हैं तो इंजन आपके नाम के साथ बुक में अपडेट भी हो जाएगा। सुजुकी लियाना है 2007 का ये मॉडल है, 2008 का जो है नंबर लगा हुआ इस गाड़ी में। तो इसका जो मेरे ख्याल में एक व्हील जो है वो चेंज है, क्योंकि कोई शायद पंचर वगैरह हो गया होगा। बाकी इसके चारों जो है अलॉय रिम वाले हैं। बैक टायर जो है फ्रंट वाले टायर से थोड़ा बहुत हमें बेहतर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तकरीबन कह सकते हैं 80% तक गुड है। तो यहाँ से फुटबेरी साइड भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी इतना क्लोज है कि आपको दिखा नहीं पा रहा। बहरहाल जैसे जैसे यहाँ से जो है छोड़ देती है गाड़ी को देखना, तो मैं आप लोगों को ये वाला एरिया भी सही करके दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये साइड आप लोगों को देखने को मिल रही है, वाली साइड भी सेम सी तरह से है। यहाँ से लाइट्स जो हैं दोनों बिल्कुल साफ हालत में हमें देखने को मिलेंगी। इसका जो बैक कैमरे का ऑप्शन भी हमें देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। तो ये देख सकते हैं आप लोग बैक साइड इस गाड़ी की, बैक कैमरा इंस्टॉल है इस गाड़ी में। सुजुकी लियाना 2008 का ये नंबर लगा हुआ है। तो बढ़ते थोड़ा सा बैक साइड की तरफ, डोर वगैरह दिखाया था आप लोगों को, डोर्स की सील्स वगैरह चेक कराया था। डोर्स की सील्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है, बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल कंपनी वाली। बाकी लाइट्स वगैरह इंस्टॉल हैं, जैसे ये लाइट दरवाज़ा खुलता है यहाँ पे सुजुकी का लोगो वगैरह आ जाता है, वो लाइट्स भी इंस्टॉल हैं। पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीट्स जो हैं इसकी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। बाकी बर्थ तो फ्रंट साइड की, फ्रंट से भी आप लोगों को ज़बरदस्त कंडीशन में देखने को मिलेगी। ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में है ये, लेकिन ये गाड़ी जो है कह सकते हैं ड्यूल LCD लगा हुआ है इस गाड़ी में भाई, और एंड्रॉयड पैनल वगैरह के साथ। तो ये सीट्स वगैरह ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। बाकी इसका जो ये डैशबोर्ड ये फटा हुआ क्रेक नहीं है, अक्सर लियाना का आप लोगों को ये फटा हुआ मिलेगा। बाकी पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है ये गाड़ी। और लियाना पहले इस गाड़ी को कोई पूछता नहीं था भाई, आजकल इस गाड़ी के पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं भाई, लियाना लेनी है लियाना, क्योंकि लग्जरी है आजकल के हिसाब से देखें, फिर भी बजट गाड़ी है एक। अच्छा जी, तो इंजन ये है 1.3 का इंजन है, और AC की फिटिंग वगैरह पूरी की हुई है। ड्राई बैटरी इंस्टॉल है इस गाड़ी में, और 1300 CC इंजन है। पहले भी इस गाड़ी के अंदर 1300 CC इंजन था, इंजन अभी चेंज करवाया हुआ है। अगर आप लोग बुक पे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करवा सकते हैं। अब भाइयों को जो है तकरीबन के जो कन्वर्टिंग के चार्जेस होते हैं वो 5-6 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं मेरे ख्याल में। अभी तो नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने जब पता किया था 5-6 हज़ार रुपये ही थे। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 8.5 लाख रुपये, 2007 का मॉडल है, 8 का नंबर है, 7 के एंड की गाड़ी है ये। इंजन 1300 CC चेंज है, लेकिन अभी दोबारा आपने चेंज करवाया ना, पहले भी 1300 CC था, अभी भी 1300 CC। जापानी इंजन लगा हुआ है। ठीक है, और बुक की पर्ची में इसकी इंजन की पर्ची मिस हो गई है। अब मतलब कि कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आसानी इसके नाम पे हो जाएगा। अभी इस गाड़ी में CNG वगैरह है या नहीं है? टोटल ये पेट्रोल पे, पेट्रोल पे आपने इंजन चलाया। कितना अर्सा हो गया इंजन आपने चेंज करवाया इस गाड़ी का? इंजन चेंज कराया मेरे को 2 साल तकरीबन आपको हो गए हैं। अच्छा, इंजन चेंज कराने के बावजूद इसकी जो पेट्रोल एवरेज क्या रहती है पर लीटर के हिसाब से? शहर में तो 9 देती है, लोग तो मुझे 13 देते हैं। इतना देती है? कोई 1300 CC लियाना के जो एवरेज है बस इतना है, तकरीबन 13 से 14 भी आ सकती है हाईवे पे, अगर ये अगर आप ले जाना चाहते हैं तो। कुछ सस्पेंशन है इंजन वाइज वगैरह में काम वगैरह तो नहीं है? डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं सर, CPLC क्लियर है, नंबर प्लेट सर दोनों जेन्युइन मिल जाएंगी। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा बस।
0310 0310 2 2 6 2 6 2 6 2 6 2. क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। कहाँ की लोकेशन है अहमद भाई? औरंगी टाउन लोकेशन है। ठीक है अहमद भाई, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। जो कंडीशन आपने बताई है गाड़ी की, हमने वही आप कस्टमर के साथ शेयर करी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इंडस कोरोला है 93 का ये मॉडल है। और बाहर से गाड़ी की जो कंडीशन है, बाहर से कंडीशन है गाड़ी की वो शावर्ड है। इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेनवन है। इंजन इस गाड़ी का जो है चेंज है, लेकिन बुक पे अपडेट है। अभी 1600 cc इंजन इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, EFI इंजन। पहले इस गाड़ी के अंदर जो 1300 cc था, अभी पेट्रोल है। पहले भी मेरे ख्याल में इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन था। तो बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तकरीबन इस गाड़ी के टायर्स जो फ्रंट वाले 40% गुड हैं, लेकिन बैक वाले टायर जो हैं तकरीबन कह सकते हैं 60% गुड हैं। और इस गाड़ी के अंदर टायर में लगे हुए हैं। बाकी इस गाड़ी की जो है लाइट्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्रिल साइड भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। बाकी स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में हमें देखने को मिल रही है। और हल्का सा यहाँ से क्रेक नज़र आ रहा है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को दिखाना लाजमी समझता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जो है वीडियो देखे इतनी दूर आएँ गाड़ी को परचेस करने के लिए, बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जिससे आपका दिल उठ जाए गाड़ी खरीदने से। बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं तो साइड्स की तरफ, तो ये साइडों में से गाड़ी कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। इंडस कोरोला की जितने भाई रिक्वेस्ट करते हैं भाई, इंडस कोरोला हम लोग एड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आप भाइयों के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ एड करें। तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, बैक साइड की लाइट्स वगैरह आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं। 93 का ये मॉडल है, टोयोटा कोरोला इंडस। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें तो दरवाजे जो है हमें यहाँ से रिपेयर लग रहे हैं, बाकी ऊपर की साइड से दरवाजे जेनवन है। बाकी पावर विंडो है इस गाड़ी के अंदर, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। सीटों पे जो है नॉर्मल कवर वगैरह इंस्टॉल है, कोई लेदर कवर वगैरह नहीं है। यार डोर खोल दीजिएगा नवीद। बाकी अच्छा जी, तो डोर्स मैं आप लोग दिखा देता हूँ। ये सील्स वगैरह जो होती हैं, चेक करने वाली चीज़ें होती हैं, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। पावर विंडो है जी, और इस गाड़ी के अंदर LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है। और इस साइड की जो सील्स जो हैं चारों दरवाजों की, जो नीचे से इस साइड से रिपेयर, बाकी ऊपर वाली साइड जो साफ है नीचे से, नीचे से रिपेयर है। बाकी पावर विंडो है, पावर मिरर है, और पावर स्टेयरिंग है कि नहीं ये भी ओनर से पूछ लेते हैं, क्या पता ये पावर हो। गाड़ी माशा से अच्छी कंडीशन में है। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो चेंज है, EFI इंजन इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। तो ये देख सकते हैं आप लोग 16 वाल्व EFI इंजन इस गाड़ी के अंदर डाला हुआ है। इंजन रूम से गाड़ी टोटल जेनवन मिलेगी। आउटसाइड से गाड़ी शावर है, ड्राइव बैटरी इंस्टॉल है ड्राइवो की इस गाड़ी के अंदर। जंप साइड की मुखियाँ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये टिकली साइड इस गाड़ी की, तो सेकंड मुखी साइड भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी गाड़ी साइड भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है, कोई क्रेक वगैरह नहीं है। बाकी ये जंप जो बोनट के अंदर से आप लोग सीलें वगैरह वो भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ हालत में मौजूद है। तो बढ़ते हैं उन्हों की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की कितने में पानी छोड़ेंगे। अच्छा सर, इसके जो विंडो हैं आपने पावर करवाए हैं या पहले से पावर थे? पावर करवाए हैं। अच्छा, इसके स्टेयरिंग भी पावर है? हाँ वो पावर आता है स्टेयरिंग, इस गाड़ी के जो पावर आता है विंडो इस भाई ने पावर करवाए हुए हैं। सर इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? इसकी डिमांड 10.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 93 का मॉडल है ये, 93 का ये मॉडल है। इंजन इस गाड़ी का चेंज है, 1600 cc इंजन लगा हुआ है। अच्छा, ये बुक पे अपडेट है सर? नहीं, बुक पर अपडेट है। अच्छा, इंजन चेंज करने के बाद कोई पेट्रोल एवरेज की बताया मुझे क्या देती है? पेट्रोल एवरेज माशाल्लाह अच्छी देती है, विद इन द सिटी है 13-14 कट जाती है। अच्छा, मतलब हाईवे पे तो 15-16 मार देगी फिर तो भाई। पर्सनल मेरी यूनिवर्सिटी आने जाने के इस्तेमाल में है, घर के इस्तेमाल में। ठीक है, डेली ड्राइवर अच्छी गाड़ी, एक एक सेंसर इसका प्रॉपर, हर चीज वर्किंग के अंदर। ठीक है सर, परफॉर्मेंस वाइज ये गाड़ी बिल्कुल 10/11। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज कहीं? कोई काम नहीं, 10/11 बोलने, परफॉर्मेंस वाइज ये ऐसी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है? कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर। अच्छा, बुक ने चढ़ाया नहीं इंजन, लेकिन इसकी रसीद है आपके पास? हां, पेपर, रनिंग पेपर पे इंजन इसका चढ़ा हुआ है, जो रनिंग पेपर वो फिर अपडेट करवा दिया समझोगे आपने? अपडेट हो चुका है। ठीक है, मतलब कि इसका जो इंजन चेंज है 1600 cc अभी अपडेट हो चुका है, रनिंग पेज भी आपको ये अपडेट मिलेगा। सर अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0300221 6986। नाम लोकेशन सर? शेरियार शाह नाम है, DHA Phase 1 NMC हॉस्पिटल के पास जो है। ठीक है शेरियार भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो अपने हिसाब से फिर गाइड कर लीजिएगा आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हुंडा सिटी 2004 का मॉडल है। ऑटो ट्रांसमिशन में, चूहा सिटी भी बोलते हैं इस गाड़ी को। बाकी ऑटो ट्रांसमिशन में है और इस गाड़ी का इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है
और गाड़ी सिल्वर कलर में मौजूद है, लेकिन बाहर से जो कंडीशन है गाड़ी ये शावर्ड है। बाकी पूरी गाड़ी मैं आपको विजिट करा देता हूँ वीडियो में, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में ऑनर के साथ मिलकर आप पूरी डिटेल आप भाई के साथ शेयर कर दूँगा। तो बढ़ते हैं टायर्स की तरफ। तो नॉर्मल सिडनी वाले टायर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन कह सकते हैं 60% के आसपास इस गाड़ी के टायर्स कंडीशन में। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं फुटबेरी साइड इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी हालत में मौजूद है, और वॉइस मेरी बिल्कुल ही नहीं निकल रही, इस चीज़ के लिए माजरत। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा लाइट्स की तरफ, लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हमें बिल्कुल साफ हालत में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। तो दोनों ही लाइट आप लोगों को साफ ही हालत में मिलेगी देखने को। बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है इसकी बिल्कुल साफ हालत में देखने को मिलेगी, कोई स्क्रेच नहीं, क्रेक नहीं है, और ओरिजिनल टेम्पर्ड सुजुकी की स्क्रीन है। और बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं बोनट से बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। गाड़ी साफ है लेकिन बाहर से गाड़ी जो है शावर्ड है, रीपेंट अलग होता है, एक शावर्ड अलग होता है, बाकी शावर्ड है गाड़ी ये। फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर लीजिएगा जब आप लोग गाड़ी परचेज़ करने आए। तो बैक साइड पे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लाइट्स वगैरह चेक कर लेते हैं, और डिग्गी भी आप लोगों को चेक कराया था। डिग्गी से गाड़ी है कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है, अंदर की सीलें वगैरह जेन्युइन है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेयर व्हील वगैरह, पाना जेक वगैरह सब मौजूद है, और जो स्पेयर टायर है वो भी नया है इस गाड़ी का। बाकी फर्शें वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हैं, गिरा दीजिएगा। तो ये चीज़ें भी चेक करने वाली होती हैं जब अगर कोई गाड़ी परचेस करता है, तो इन चीज़ों पर लाजमी ध्यान देता है। तो आप भी ध्यान दीजिए भाई वीडियो पे थोड़ा सा, नेक्स्ट आप कभी वीडियो बना लिया करें अपने लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बैक मेरे का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा देखने को, बहरहाल बैक साइड से बिल्कुल साफ़ है। तो बैक साइड की स्क्रीन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं होंडा का टेम्पर्ड लगा हुआ है, स्क्रीन जो है ओरिजिनल है बैक। तो बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल साफ हालत में देखने को मिलेगी। बाकी टायर इस गाड़ी की चारों जो हैं सेमी कंडीशन में मौजूद हैं, मतलब कि अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं साइडों में से गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, हुंडा सिटी है 2004 का मॉडल है। ओके तो यहाँ पे सील्स की बात करें तो सील्स हमें बिल्कुल साफ़ हालत में देखने को मिल रही हैं, और डैशबोर्ड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो ट्रांसमिशन गियर सिस्टम आप लोग गाड़ी का चेक कर सकते हैं, और यहाँ से बैक डोर भी मैं आप भाइयों को दिखा देता हूँ। तो बैक डोर से गाड़ी है कुछ इस तरह से भाई, यहाँ से हल्का सा मुझे यहाँ से शावर नज़र आ रहा है, शायद ये किनारा बना हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर से इस जगह से गाड़ी ये जेन्युइन है, ये वाला हिस्सा चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, ये भी साइड पूरी जेन्युइन देखने को मिलेगी आप भाइयों को। यहाँ पर देख सकते हैं जो है सीट्स पर लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो आप भाइयों के साथ शेयर कर देते हैं। यहीं पे होता है बीच में, एक तो नवीद भाई को ना ये बोनट खोलते हुए आधा घंटा लग जाता है। ओके तो ये इस गाड़ी का जो है इंजन रूम का एरिया है, और यहाँ से इंजन रूम से जेन्युइन मिलेगी गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी का इंजन जो है चेंज है। तो ये आप लोग देख सकते हैं सामने की जो गाड़ी साइड है ये भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है, और एसी वगैरह की भी फिटिंग की हुई इस गाड़ी में। बाकी पूछ लेते हैं ओनर से कि एसी वगैरह इस गाड़ी का ऑन है या मतलब कि कुछ वर्क वगैरह को बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 14-25 2004 का मॉडल, ऑटो ट्रांसमिशन में, इंजन इस गाड़ी का चेंज है, बुक पे अपडेट करवाया आपने जी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कम्प्लीट है सर? CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है सर? अच्छा अच्छा जी, तो इस गाड़ी के पेट्रोल एवरेज क्या होती होगी पर लीटर के हिसाब से? 1300 CC है गाड़ी ऑटो ट्रांसमिशन में, जैसे मोहल्ले वगैरह में चलाओ तो वो 8 से 10 है, और अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो 10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा दे रही है, मतलब कि अगर इन सिटी चलाओगे तो 10 के आसपास देगी, अगर कहीं यहाँ लॉन्ग पे चलेगे तो 12 के आसपास दे देगी ये गाड़ी। ठीक है, इंजन कितने टाइम हो गया चेंज करवाया सर इस गाड़ी का? 5 साल हो गए इंजन आपने चेंज करवाया, बुक पे भी अपडेट करवा दिया है। ठीक है सर जी, तकरीबन 30,000 किलोमीटर ये नए इंजन पे गाड़ी ये चली हुई है। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0315 3636 786 0808। क्या नाम है आपका सर? मुर्तजा। कहाँ की लोकेशन है मुर्तजा भाई? हैदरी की। डिमांड क्या कर रहे सर इसकी? 14-25 इसमें कोई डिस्काउंट हो जाएगा या फाइनल प्राइस आपकी? कोई बेहतर प्राइस देगा तो फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है सर जी, कितने ओनर पे सर ये गाड़ी? आपके नाम पे ओपन लेटर है? आपके नाम पे ये गाड़ी? अच्छा, मतलब कि ये कोई ब्रोकर वगैरह नहीं है भाई, इनके नाम पे है गाड़ी ये। बहुत शुक्रिया।